दोस्तों, अगर आप एक्सेल के थ्रू किसी को व्हाट्सएप में मैसेज भेजना चाहते हैं, डेट टू आपके पास बल्क मैसेजेस हैं, यानी कि हो सकता है आपको 100 लोगों को मैसेज भेजना हो सकता है आपको 500 लोगों को भेजना हो, या इवन 1000 लोगों को भेजना हो, इन दैट केस आप एक सिंगल क्लिक से इतने सारे लोगों को कैसे एक साथ मैसेज भेज सकते हैं, आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप एक सिंगल क्लिक करें और इन तीनों नंबर्स पर एक साथ मैसेज चला जाए। आप चाहें तो इन तीन नंबर्स की जगह 300 नंबर्स भी रख सकते हैं और 3000 नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। आपको हर एक के लिए अलग अलग सेंड क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी, सिंपली आपको एक बार क्लिक करना होगा सेंड और ये पूरे के पूरे मैसेजेस एक बार में सामने वालों को सेंड हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये काम कैसे होगा, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे कि आप यहाँ पर इस शीट में देख सकते हैं, मेरे पास दो कॉलम्स है, मोबाइल नंबर एंड मैसेज। एक में लिखा है मोबाइल नंबर विथ कंट्री कोड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको कंट्री कोड लिखना जरूरी है। साथ साथ मैसेज, आपको जो भी मैसेज लिखना हो आप वो यूज कर सकती हैं। अगर हम इस शीट के नाम पर ध्यान दें तो मैंने इस शीट का नाम रखा है डेटा। अगर आपकी शीट का नाम कुछ और है तो आपको कोडिंग में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी सबसे पहले हम क्लिक करेंगे सेंड पर और देख लेते हैं क्या ये कोड काम कर रहा है या नहीं। मैंने क्लिक किया सेंड और सेंड पे क्लिक करते हैं हम देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा जिसमें पूछा जाएगा ऑलवेज आस्क बिफोर ओपनिंग दिस टाइप ऑफ एड्रेस, यानी कि एक्सेल से व्हाट्सएप ओपन करने के लिए क्या आप हमेशा इस प्रकार का एक बॉक्स देखना चाहते हैं। अगर हाँ तो इसमें टिक रख रहे, नहीं तो आप इसे अनटिक कर सकते हैं। मैं अभी इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। क्लिक करेंगे अलाउ और अलाउ करते हैं आप देख सकते हैं व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। ये फर्स्ट पर्सन इसका मैसेज ऑटोमेटिक टाइप हुआ और यहाँ पर हम देख सकते हैं मैसेज रिव्यू दिखा रहा है और उसके बाद सेंड। इसी प्रकार से अगेन सेकेंड पर्सन पे क्लिक करेंगे अलाउ, सेकेंड का भी मैसेज आ चुका है। मैसेज के साथ साथ प्रीव्यू देख सकते हैं और प्रीव्यू के बाद ऑटोमेटिकली ये सेंड होगा। और अगेन थर्ड पर्सन के लिए क्लिक करेंगे अलाउ, मैसेज के साथ साथ उसका प्रीव्यू और प्रीव्यू के बाद ऑटोमेटिकली ये मैसेज सेंड होगा। तो इस प्रकार से आप अलग अलग लोगों को एक सिंगल क्लिक से मैसेज भेज सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है और इसकी कोडिंग कैसे होगी। तो इस प्रकार का एक्सेल टू व्हाट्सएप बल्क मैसेजेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले ओपन करना होगा एक्सेल। मैंने यहाँ पे ओपन के लिए एक्सेल 2016, आप किसी भी वर्जन का यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखिए जैसे ही ये फाइल ओपन हो सबसे पहले आपको इसे सेव एज करना होगा। सेव एज आप कहीं पर भी कर सकते हैं, मैं इसे सेव कर लूँगा डॉक्यूमेंट्स में। आप जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, मैं इसे एज इट इज़ बुक वन नाम रहने दूंगा। सेव एज टाइप में आपको चेंजेस करने होंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है एक्सेल वर्कबुक, मुझे यहाँ पर इसे चेंज करना होगा एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, क्योंकि हम इसमें मैक्रो बनाने वाले हैं और हम ये चाहते हैं कि जब भी हम इस फाइल को ओपन करें इसके अंदर की कोडिंग कहीं भी डिसअपियर ना हो। अगर आप इसे नॉर्मल वर्कबुक की तरह सेव करते हैं तो जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे आपको अगेन एंड अगेन कोडिंग लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे एक्सेल इनेबल्ड मैक्रो वर्कबुक और क्लिक करेंगे सेव। तो फाइल एज अ मैक्रो सेव होगी। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर डेटा की ज़रूरत होगी, मैं कॉपी कर लूँगा अपनी पुरानी शीट से। और डेटा कॉपी करने के बाद अब जो इम्पोर्टेंट काम है वो है मैक्रो की कोडिंग। कोडिंग के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा डेवलपर टैब। अगर आपको ये डेवलपर टैब शो ना हो आपको जाना होगा फाइल ऑप्शंस, ऑप्शन में जाएंगे कस्टमाइज रिबन और यहाँ पर आपको इस डेवलपर ऑप्शन को टिक करना होगा और क्लिक करेंगे ओके। ओके करते हैं डेवलपर टैब आपके एक्सेल में शो होगा। अब हमें इस डेवलपर टैब में कोडिंग लिखनी होगी, उसके लिए हम जाएंगे विजुअल बेसिक और विजुअल बेसिक में आते ही आप जाएंगे इंसर्ट मॉड्यूल, इसे कर लेंगे फुल स्क्रीन और अब आपको इस एरिया में अपनी कोडिंग पेस्ट करनी होगी। ये कोडिंग मैंने यहाँ पर लिख के रखी, आपको ये कोडिंग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और इस कोडिंग को आप समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सब व्हाट्सएप मैसेज, ये मेरे फंक्शन का नाम है जो मैं कॉल करूँगा जब भी मुझे किसी को मैसेज भेजना होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं जो कि वैल्यूज़ को होल्ड करेंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं लास्ट रो इक्वल्स टू रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट, यानी कि लास्ट रो ऑटोमेटिकली काउंट होगा कि हमारे एक्सेल में कितने रो में नंबर लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज फॉर आई इक्वल्स टू 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 लास्ट रो टू, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमेशा हम देख सकते हैं हमारा जो मैसेज है या फिर हमारे जो नंबर्स हैं वो रो नंबर टू से स्टार्ट हो रहे हैं। रो नंबर वन में मोबाइल नंबर और मैसेज जो कि हमारे एक्सेल में हेडिंग है इसलिए उसे इंक्लूड नहीं किया जाता और इसलिए हमारा जो लूप है वो चालू होगा टू से और जाएगा लास्ट रो तक। नेक्स्ट एस टी आर फोन नंबर इक्वल्स टू शीट्स डेटा डॉट सेल्स आई वन वैल्यू, यानी कि शीट का नाम होगा डेटा और सेल्स आई वन का मतलब होगा सेल 2.1, सेकेंड 2.1 का मतलब होगा A2, देन 2.3 मतलब A3, A4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से मैसेज भी कहाँ से रीड किया जाएगा, शीट्स डेटा, यानी कि हमारे शीट का जो नाम है वो होना चाहिए डेटा। जैसे कि हम यहाँ पर एक्सेल में देख सकते हैं मेरी शीट का नाम है शीट 1, तो ऑब्वियसली जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा। हम आगे देख लेते हैं कैसे इसे ठीक करना है। अगेन अगर हम कोडिंग देखें यहाँ पर नेक्स्ट हमने लिखा है पोस्ट डेटा, डेटा को पोस्ट किया जाएगा डायरेक्टली व्हाट्सएप में। वेरिएबल्स एस टी आर फोन नंबर एंड मैसेज,
और उसके बाद IE जो है वो एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा whether to send the message or not। यहाँ पर अगर हम इस कोड में ये लाइन देखें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है 005, यानी कि हर मैसेज सेंड करने के बीच में 5 सेकेंड्स का इंटरवल होना चाहिए। अगर आप फ्रीक्वेंटली मैसेजेस सेंड करते रहेंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप को ये डाउट हो सकता है कि आप किसी बॉट का यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कम से कम 5 से 10 सेकेंड का गैप आप हर मैसेज के बीच में रखें। एंड लास्ट इज सेंड कीज़ ऑटोमेटिकली ये एंटर प्रेस करेगा। ये कोडिंग करने के बाद आपको सिंपली इसमें एक बार क्लिक करना होगा सेव और इसे कर लेंगे क्लोज। और क्लोज करने के बाद ये कोडिंग हमारे एक्सेल में आ चुकी है। नेक्स्ट हमें उस कोडिंग को एग्जीक्यूट करना होगा। उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कोई बटन होना चाहिए। बटन के लिए हम जाएंगे कंट्रोल्स इंसर्ट और यहाँ पर हम देख सकते हैं बटन टूल दिया हुआ है। इस पर सिंपली आप क्लिक करें और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बटन ड्रॉ कर लें। बटन ड्रॉ करते ही आपको यहाँ पर असाइन मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ हम देख सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज जो हमने एक फंक्शन बनाया था व्हाट्सएप मैसेज का, वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करें ओके। बटन वन आ चुका है, इसे आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका नाम देना चाहूँगा सेंड। अगेन अगर आप इसमें और कस्टमाइजेशन चाहते हैं राइट क्लिक करें, जाएं फॉर्मेट कंट्रोल और इसमें आप जो भी इफेक्ट्स देना चाहें या फिर जो भी कलर साइज फॉन्ट एक्सेट्रा जो भी आप इसमें अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करें ओके। कुछ इस प्रकार से हमारा बटन शो हो रहा है। अब हमें सिंपली इस पर एक बार क्लिक करना होगा और चेक करना है कि ये काम कर रहा है या नहीं। क्लिक करते ही हम देखेंगे यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा। अब हम चेक करें क्लिक करेंगे डीबग और डीबग में हम देख सकते हैं यहाँ पर शीट्स डेटा जहाँ आप चाहें तो अपनी शीट का नाम लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो अपनी शीट का नाम बदल सकते हैं। मैं अपनी शीट का नाम बदल दूंगा, मैंने नाम लिखा डेटा और अगेन क्लिक करेंगे सेंड। अलाउ करते ही आप देख सकते हैं मैसेज अलाउ, अगेन 5 सेकंड का हॉल्ट और ये मैसेज चला गया। अगेन अलाउ और अगेन 5 सेकंड का हॉल्ट। इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर इन तीनों यूजर्स को ये मैसेज जा चुका है जो हमने टाइप किया था। इसे कर लेंगे मिनिमाइज। इस प्रकार से आप इजीली एक सिंगल क्लिक से मल्टीपल लोगों को एक साथ मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड नहीं है तो व्हाट्सएप कैसे इंस्टॉल करना है आइए अब उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना होगा गूगल में और यहाँ हम टाइप करेंगे व्हाट्सएप डाउनलोड और इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे जो कि है डाउनलोड व्हाट्सएप। इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं एंड्रॉयड आईफोन और इवन डाउनलोड फॉर विंडोज। हम यहाँ पर कंप्यूटर के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे डाउनलोड फॉर विंडोज और व्हाट्सएप डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और इसका इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। क्योंकि हमने इस फाइल पर और व्हाट्सएप का इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं यहाँ पर टू यूज़ व्हाट्सएप ऑन योर कंप्यूटर हमें सिर्फ इस QR कोड को हमारे मोबाइल से स्कैन करना होगा। आप सिंपली मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन करें, तीन डॉट्स पर क्लिक करें और क्लिक करें लिंक डिवाइसेस। वहाँ पर आपको QR कोड स्कैनर ओपन होगा और इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करते ही आप देखेंगे आपका जो व्हाट्सएप है वो आपके सिस्टम में स्टार्ट हो चुका होगा। ये व्हाट्सएप वेब से अलग है, ये व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर है ना कि ये व्हाट्सएप वेब है। और QR कोड स्कैन करते ही आप देख सकते हैं व्हाट्सएप यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और अब आप इसे मिनिमाइज़ कर लें और हमने जो एक्सेल का कोड बनाया था आप उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 by 1 सभी को मैसेज सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज कुछ नया सीखने मिला होगा और एटलीस्ट आपके कुछ काम का यहाँ पर देखने मिला होगा आपको। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप एक्सेल के थ्रू व्हाट्सएप में इमेजेस भी सेंड कर सकते हैं एंड दैट टू मल्टीपल लोगों को एक साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।